में सत्येंद्र तिवारी भगवान है और हमार फोटो रख के और वैसन एड़े मुके हमको खान दिया। एगो महिला तो इतने चट्टी चट्टी से पीट पीट दी हमको, आज भी मेरा बायां चौह दुखा रहा है। आप इस पर क्या कहेंगे? मैं क्या गुनाह कर दिया? क्या मैं वैसे महिला का सम्मान करूंगा कि जो महिला अपने पति का हत्या कराती है, जो महिला करज सांप से कटवाती है? अरे महिला हो या पुरुष हो, सभी समाज में सभी लोग भी हैं और गलत लोग भी हैं। इसका मतलब तो यही हो गया, अभी हम कह देंगे कि भाई गढ़वा में आजकल बहुत पुरुष लोग हेरोइन पी रहा है, तब तो इसका मतलब हेरोइन पिए वाला क्या करेगा कि सौ से आदमी के जमा कर लेगा। सत्येंद्र तिवारी या सब पुरुष के कहता हूँ हेरोइन पी रहा है, अरे ना अरे मर्दे, पर्टिकुलर मैं उसे कहता हूँ जो हेरोइन पी रहा है, जो समाज से भटके हुए लोग हैं। मैं आगे आने वाले जनरेशन को थोड़ा सचेत कर रहा हूँ कि भाई अदमियाइन मत बनिए, ये ईस्ट इंडिया कंपनी कई लोगों को अदमियाइन बना देगा। अब पूछेगा नाम बताइएगा, हम नाम कहला बताएंगे? ऊपर वाला सब देखता है नहीं? आप लोग सुने होंगे कि रोजा में वो मौलवी साहब सोचे कि पानी बड़ी प्यास लग गया तो कैसे करें, तो डूब के डुबकुरिया मार के भीतर ही ले दू गाल पी के निकल जाएंगे, लेकिन पी रहा था बस कछुए अटक गया, खुल खुल गया। तो ऐसी बहुत सारे अदमियाइन जो आज हैं, उन अदमियाइन से भी मेरा विनती है ईस्ट इंडिया के बहकावे में मत आइए। कहते हैं कि सत्येंद्र तिवारी को 24 घंटा ओनली 24 घंटा के मोहलत, कहला क्या हम कर दिए? मैं तो महिला का पूजा करता हूँ, नारी शक्ति का सम्मान करता हूँ। ये भाजपा तो 33% लोकसभा या विधानसभा में आरक्षण देने वाली पार्टी है, और JMM के लोग हमारा कह रहा है कि सत्येंद्र तिवारी के ना बाबूलाल जी से कह के पार्टी से निकलवा ही देंगे, कहला सर राजा साहब कहा है जो बढ़िया तुम लोग मुद्दा धैले है, राजा साहब मैंने तो जनिए जाते हैं, एक एक वो राजा तो हमारा गैया गैया कैले है। वे राजे साहब वो जाके JMM मुला के कह रहा है जब तुम लोग ऐसे करो जो गढ़वा में तो धरना दिया ना जी, रचियों में धरना दे दो और नहीं तो उनसे माफ़ी मंगवाओ। तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि माफ़ी मांगना तो दूर के बात, मैं उन अदमियाइन को मेरा निवेदन है, विनती है कि मत बनिए अदमियाइन, अपने पति को धोखा मत दीजिए। जो आदमी अपने पति को धोखा देता है पति परमेश्वर होता है, वैसे भी गाना है कि देते हैं भगवान को धोखा इंसान को क्या छोड़ेंगे। जो आदमी अपने पति का भल नहीं हो सकता है वह समाज का क्या भला करेगी? आज वैसे लोगों से आम महिला के बीच गलत संदेश जा रहा है जो लोग आदमियाइन के रूप में घूम रही हैं। और आम महिला से भी मेरा विनती है, उनके अंदर छुपी हुई आप राक्षसी प्रवृत्ति को देखिए, आप आदमियाइन बनने की ओर मत बढ़िए। और जहाँ तक माफ़ी मांगने का सत्येंद्र तिवारी का काम आप बात कहिएगा, मैं आप पत्रकार बंधु से मेरा विनती है, निवेदन है, आपसे मेरा एक प्रश्न है, अगर सत्येंद्र तिवारी ने आदमियाइन में कोई अनपढ़ या मेंटी अगर वह है वर्ड है तो आप हमको सलाह दीजिए, मैं एक हफ्ता तक कान धर के माफ़ी मांगते रह जाऊंगा डायरेक्ट। अब अगर नहीं है तो माफ़ी तो छोड़िए, लॉगी पर खड़ा होकर बोलेंगे कि भगवान इन आदमियाइनों के साथ इंसाफ करो, जो अपने पति का भला नहीं कर सकता है वह आम महिलाओं का क्या भला करेगा? कौन लोग हैं जो उनको ठग के लागे थे राशन और पेंशन दिलाने के नाम पर? देखिए ये सब ईस्ट इंडिया कंपनी और राजा महाराजा, मैं हर अवसर पर बोलता हूँ। अभी मैं देखा है वो कार्यक्रम में जो राजा साहब को कागज इसे दिखा रहे थे कि देखो कोर्ट कह दिया जो राजा साहब एकदम चोर नहीं है। हाँ तो ही काबिल है ना, वहाँ पर मैटर क्या हुआ, सरकार ने अपना पक्ष ही नहीं रखा। अब सरकार में कौन है भाई? भैया जी वह है, अब भैया जी वह राजा साहब में साठ गांठ है, तो जब सरकार पक्ष नहीं रखेगा तो केस हार जाएगा कि नहीं सरकार? ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक ये सत्येंद्र तिवारी ले जाएगा। अगर ये जिंदा है तो ये भैया जी और राजा जी को कभी चैन से नहीं रहने देगा। अब भैया जी और राजा जी में दोनों में काफ़ी समानता है, सिमिलरिटी है। यहीं पर आप रंका चले जाइए, चंद्रवंशी समाज के जमीन लुटा रहा है, उस पर बिल्डिंग बन रहा है, उसमें ठेकेदारी पास करा दिया भैया जी। अब 3.5 एकड़ चंद्रवंशी अति पिछड़े समाज से जो लोग आते हैं, साहू समाज से जो लोग आते हैं, उनके जमीनवा को COFDO पटक के लूट लिया, जिनका 5-5 10 कट्टा जमीन है, अब जिसका 25 एकड़ जमीन है, गरमाजर हुआ जमीन था जिसका उम्बाल बनवा लिया, उस पर नज़र नहीं जाता है सरकार का। बस गरीब गुरबा के जमीन लूट के हड़प लो, और उसको बहाना क्या है, तेरा तो भाई मलगुजारी तो रसीद नहीं कट रहा है। भाई इसी बयान पर मैंने कहा था कि जो जमीन मेरे कब्जा में पिछले 100 सालों से है,
अगर मैं रसीद नहीं भी कटा पाया तो क्या गर्माजरुआ जमीन का माल बांधने का कानून नहीं है? क्या देश आजादी से लेकर गर्माजरुआ जमीन का कभी माल नहीं बनाया? बनाया कौन बनवाया? जो चालू पुर्जा लोग थे, जो कोर्ट कचहरी जानते थे, जो ब्लॉक वीडियो सीओ से मिलते थे, उन्होंने माल बनवा लिया। लेकिन गरीब दलित पिछड़ा आदिवासी अगर माल नहीं बनवाया तो जमीन उसका लूट लेगा? इसी को मैं थोड़ा ठेठ भाषा में समझाने का प्रयास किया। मैं कहा कि मान लो किसी दिन नहा धोआ के हमारे मेहरारू सेनूर नहीं लगाई, तो कोई आदमी हमारे मेहरारू के कहेगा जिनका मेहरारू नहीं है, तब आप फिर पूछेगा जी मेहरारू मने? अरे पत्नी रे मर्द, अंग्रेजी में चाहे वाइफ कहिए ओकरे मेहरारू कहते हैं। तो वहू पर लोग कहता है कि जब इनका पत्नी सेनूर नहीं लगाएगी तो प्रेम क्या हो जाएगी? ईमानदारी वैसा वैसा आँख हम आज तक नहीं देखे हैं। आप पूछेगा जी किकर आँख? हम नहीं जानते हैं। उतना बड़ा बड़ा आँख आपका सजवा के चर चर वो बड़ बड़े का आँख था। हम तो रातों के उठ जा रहे हैं चिहूक के, वो लतवा जैसा मार रही है बाटरे बाट। उधर डांड देन नहीं मारी, नहीं तो हम ऑपरेशन कराएं हॉर्निया के। वो तो बढ़िया किया कि मुँह पर मारा था, लतवा डोल रहा है। ये सब नौटंकी नहीं चलने वाला है। भैया जी के चाल को लोग यहाँ समझ गए हैं। अब कई लोग कहते हैं कि भैया जी विकास पुरुष है। रात भर हम हंसते हैं, इस विधानसभा का सत्यानाश कर दिया ठाकुर। हमारे कई योजनावा के उपरेले रिपेयरिंग करके नाम कैसे दे, देहाती में नहीं कहा था कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। करता है रिपेयरिंग और लिखता है निर्माण। वो जबकि टाइम मंड फड़क कर कार्य होता है, निर्माण रिपेयरिंग होता है। इससे तो पूछेगा जो तू का काम किया, बड़ा बड़ा काम बताओ। पाँच गो योजना नहीं बता पाएगा। हम कह रहे हैं कि पाँच चार साल होने को है। ऐसे भैया जी वैसे कहेगा तो साढ़े तीन साल कहता है, लेकिन हम लोग पौने चार साल कहते हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी पूर जाओ ताकि भैया जीवा के हम लोग यहाँ से बिक दें। लेकिन उससे पूछेगा जो कै साल हुआ, अभी तो डेढ़ साल बाकी है। उसको लग ये नहीं रहा कि सिराएगा दिन? सिरा जाएगा बाबू, घबराओ मत, सिरा जाएगा। नहीं ठंडा हो जाएगा तू, घबराओ मत। और रुपया में हो सकता है कि भैया जीवा के एगो भाई है, आप लोग तो जन्म करते होंगे, कमीशन लेता है 7-8% ठेकेदार के पटक पटक के मारता है। हम लेकिन एक चीज़ कहेंगे कि आज तक मैं भैया जी जैसा हेहर आदमी नहीं देखा हूँ। मर्द देहाती को कहावत है, जब मुंह खाता है तो आँख ल जाता है, नहीं ल जाता है, देहाती को कहावत है। अब भैया जी वह कितना बड़ा हेहर है, मैं उसको दाद देता हूँ। उसका हेहराई वाला मशीन का मैं पता लगाऊंगा कि कहाँ से ही लाया है। मर्द पूरा जग जान रहा है, चौक चौराहा पर चले जाइए, पान दुकान पर चले जाइए, ये चर्चा आम है कि इसका भाई बिना कमीशन लिए हुए कोई काम नहीं करता है। और कहता है कि बहुत विकास पुरुष मैं हूँ। घबराओ मत बहादुर, मैं तो आप लोग के माध्यम से भैया जी को सूचना देना चाहता हूँ कि भैया जी अगर तू असल माई के दूध पिया है तो इस विधानसभा में भागना मत, तुम चुनाव लड़ना। क्योंकि बहुत लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि भैया जी वह लॉक गया है कि यहाँ के पब्लिक हमको समझ गया, तो विधाने सब वो बदल देंगे तो होकर फिर ठग के जीत जाएंगे। मेरा चुनौती है भैया जी को और राजा साहब को भी, आप लोग अगर असल माई के लाल हैं, अगर आप लोगों ने अपने माँ का दूध पिया है, इस विधानसभा को फेस करो। दोनों लोग दोनों को अगर दर दर के नहीं गड़िया दिया ये सतेंद्र तिवारी, तो मैं विधानसभा छोड़िए मैं राज छोड़ के चला जाऊँगा।